ऋषिकेश में राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज में वाहन ट्रायल में हुए हादसे के बाद प्रशासन की इसकी जांच में जुट गया है। बता दें कि इस घटना में मृतक अधिकारियों और वन कर्मियों की याद में आज चीला रेंज में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पार्क महकमे की सभी 10 रेंजों के रेंज अधिकारी और वन कर्मियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस मौके पर पार्क निदेशक साकेत बडोला ने कहा कि इस प्रकरण की पुलिस जांच कर रही है। इसके साथ ही पार्क महकमा इस पूरे प्रकरण को लेकर अपने बस्तर से जांच कर रहा है। ऋषिकेश से महेश मुबारक की रिपोर्ट। देखिए, जैसे आपको बताइए कि 8 तारीख को सोमवार को एक बहुत ही दुखद घटना हमें यहाँ पर घटित हुई, जिसमें हमारे कई जो फॉरेस्ट के स्टाफ थे वो शहीद हुए और कुछ लोग उसमें से घायल भी हैं। हमारा जो परिवार है, पूरा जो राजा जी का परिवार है, वो सब लोग शोक में ग्रसित हैं। वो अपनी श्रद्धांजलि जो लोग हैं उनको देना चाह रहे हैं। लगातार हम लोग इन चीज़ों पे हम क्या किया जा सकता है, कैसे हम अपनी शोक संवेदनाएं और श्रद्धांजलि दे सकते हैं, वो लगातार चल रहा है। कल एक इसमें शोक सभा जो थी वो हमारे फॉरेस्ट मुख्यालय में भी हुई, जिसमें माननीय मंत्री जी और बाकी जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो भी रहे। आज फील्ड के स्टाफ के साथ हम इस श्रद्धांजलि सभा को करना चाह रहे थे, तो आज हम लोग सब यहाँ पर चीला में इकट्ठे हुए हैं। हमारे जो जो हमने अपने जो स्टाफ को खो दिया है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और जो हमारे जो घायल जो कर्मचारी हैं